दियारा की पौने 200 एकड़ जमीन पर शबनम गिरोह का है कब्जा। बताते चले 8 जनवरी को पटना एसटीएफ ने कुख्यात को किया था गिरफ्तार। 28 दिन बाद जेल से छूट गया था। वही पिछली बार पुराने केस में पुलिस ने शबनम को नहीं लिया था रिमांड पर। इस बार चलाएगी स्पीडी ट्रायल। साथ ही साथ एसटीएफ के एडीजी ने डीआईजी से पूरे मामले की मांगी थी रिपोर्ट। नारायणपुर का आतंक के नाम से ही जाना जाता है शबनम यादव गिरोह। बताते चले कि देर रात अपने गांव में ही कर रहा था गोलीबारी। नवगछिया पुलिस कप्तान के द्वारा नारायणपुर के दर्जनों मामले के इनामी अपराधी एवं नारायणपुर का आतंक कहे जाने वाले शबनम यादव को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। शबनम यादव का आतंक गंगा एवं कोसी दियारा क्षेत्र के चढ़ चढ़ कर बोल रहा है। शबनम यादव एक बड़े आपराधिक गिरोह का सरगना माना जाता है, जो दियारा के किसानों में भय दिखलाकर काले सोने के नाम से प्रसिद्ध केलाई की फसल, जानवरों की चोरी सहित दूध के व्यापारियों से पैसा तसलीने का कार्य बहुत दिनों से कर रहा है। गांव में ही नहीं, संपूर्ण दियारा क्षेत्र में इसके भय से लोग भयभीत रहते हैं। शनिवार की देर रात शबनम यादव अपने घर आया और भय फैलाने एवं निजी दुश्मनी साधने और भय फैलाने के लिए गांव के बीचों बीच फायरिंग करना आरंभ कर दिया। इसकी बनक पुलिस कप्तान को लग गई कि शबनम यादव घर आया है। ऐसे में नवगछिया पुलिस कप्तान के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें नवगछिया, बीरपुर, भवानीपुर, झंडापुर थाना प्रभारी के साथ मिलकर एक साथ शबनम यादव के गांव को पूरी तरह से घेर लिया गया। शबनम यादव को उसके घर में ही गिरफ्तार कर लिया गया। शबनम यादव चूंकि घटना को अंजाम देने के ख्याल से ही गाँव आया था, तो उसके पास जिंदा कारतूस के साथ लोडेड पिस्तौल भी बरामद कर ली गई। इससे पहले भी शबनम जेल से जा चुका है, बेल पर आकर बाहर आया है। हालांकि कई मामलों में पुलिस को शबनम की तलाश थी। केवल भवानीपुर थाने में एक दर्जन से अधिक मामले लूटपाट, धमकी देने, मारपीट के मामले दर्ज हैं, जबकि 4 से अधिक मामले नदी थाने क्षेत्र में हैं। एक और जहां शबनम यादव की गिरफ्तारी से दियारा के लोगों ने राहत की सांस ली, तो दूसरी ओर प्रशांत ने भी इस बड़ी सफलता से जनता का विश्वास जीतने में सफलता पाई। ड्राइव तो लगातार हर स्तर से चल रहा है। जैसे जो भी इसी लीकर है उसके भी लगातार पुलिस मुख्यालय के आगे से चल रहा है, और हमारे स्तर से भी जो हत्या हत्या विशेष फोकस कर रहे हैं, जिसके बारे में यूपी सरकार ने अभी तक फोकस है क्या है, जैसे कि यूथ है, जैसे एस टी काल है या मतदान के काल है या फिर जो एम बी पी एस काल में अपराधी है, पुलिस लगातार छापामारी। देखिए जो भी आएगा अभी आपको देखा कुछ पहले फिर लगातार हम लोग रेड कर भी रहे हैं, और ए एल पी एफ टीम लगातार रेड कर रही है, बरामद कर रहे हैं, डॉग का रोड है ले रहे हैं, इसे लोग सवारी करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छी उम्र लगी रही है, और इतना भरोसा दिलाते हैं कि एक्सा जिला में कहीं से भी खेत पर सूचना मिलेगी इसे हम लोग बरामद कर रहे हैं। देखिए जैसा आप जानते होंगे जनवरी में सात अपराधी संबंधा दी है पकड़े थे, हम लोग कल रात में जानकारी मिली फिर आया हुआ कहते आगे बदमाशी का था फायदा नहीं करता है। सूचना मिलने पर जो अनुसार व्यक्ति की मुक्ति खत्म किया गया, उसमें दोनों पुलिसों भी इसमें पूरे गाँव का घेराबंदी किया गया। ये भी सूचना कि दो तीन लड़कों के साथ ये है और विरोध आदमी है, जो पूरे गाँव को है घेरा गया, उसके बाद से गिरफ्तारी की गिरफ्तारी करने के लिए खुलासी लिया गया, उसके बदल के लोडेड जैसी पिस्तौल मिला और बहुत निकाल के उसको मिला। ये अभी भी कई कारणों में रिमांड नहीं किया गया है, हम लोग चाहेंगे जब तक से रिमांड कर लेना और कोशिश रहेगी हम लोग अभी।
ये केस था। दूसरा अगस्त महीने में 12-8 तारीख को सीटें घटना घटी थी, एक पिकअप वन के साथ चक्राली आकर के साथ मोबाइल ऑफिस के साथ लूट लिया था, लेकिन फिर यूपी मोबाइल का दुकान से काम करते हुए जानकारी मिले थे इसको टीम खत्म किया गया था। फिर वहाँ थानाध्यक्ष उनकी टीम सहरसा से जाकर के मोबाइल प्रयोग कर रहे थे गिरफ्तारी की हुई, उसमें से एक के मोबाइल को चोरी के मोबाइल को इसी बार यूज कर रहा था। बाकी एक जो आपताब है इसका काम ही है कि जहाँ भी यूनिट पार्ट का मोबाइल होता है वो क्रिमिनल से दिवस प्राप्त करता है, उसको बेचता है। उसमें एक काशिम मंसूरी है जिनका अपराधी है, हीरो हीरो भी है, भागलपुर का हीरो भी है, ये उसी का ये कहते हैं आपका बानोई उसकी गिरफ्तारी हुई है। काशी मियाँ ही सबसे लूटपाट में अपने 3 अन्य अपराधी उसके साथ शामिल थे, अभी गिरफ्तारी हुई है काशी मंसूरी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा जो आपका और जो चोरी का मोबाइल लूटे का मोबाइल जो बेचता